राम राम भैया। राम राम भैया। या आज ते काहन करते भैया जो गोबर है तेरा इकट्ठा करे। हाँ भैया, गोबर के सड़े हुए खाद है, एक ही उपचार कर भैया। उपचार काहन के करते भैया, और उपचार करने के का कारण है भैया? या भैया उपचार भैया ये गोबर खाद है भैया सड़े हुए, तो एक है उपचार कर भैया। भैया या खाद ला कौन कौन से दवाई से उपचार करते भैया? ये गोबर खाद है सड़े हुए, तो इसमें दवा मिला था भैया बैक्टीरिया नाशक और फफून नाशक। कैसे में करते भैया? ये भैया बैक्टीरिया नाशक फफून नाशक इला यह दवा का उपचार करता हूँ कि जड़ की सुरक्षा हो, कीटाणु न आए। अच्छा, मतलब बैक्टीरिया नाशक या फफून नाशक। हाँ, दवाई से उपचार करते उपचार करते उपचार, मतलब उपचार करने से जो पौधा लगा था। हाँ, उखे जड़ में बीमारी नहीं आए। हाँ, बीमारी वाली बीमारी। हाँ, है ना। हाँ, एक वजह से उपचार करते भैया। ये पौधा सूखता है भैया, उखड़ जाता है। अच्छा, देखिए जो नर्सरी से जो पौधा लेके के लगा था। हाँ, नर्सरी से पौधा लेके के लगा था, तो वो भैया सूखन लगता है, उखड़ जाता है। तो ओके बचाव के लायक एक ही उपचार करते हैं भैया। अच्छा भैया, भैया जो खाद में हाँ। ये मिट्टी है, पत्थर है, और या प्लास्टिक के जितना भी है। हाँ। उनका अलग भी करते भैया? हाँ। या खाद के उपयोग कौन कौन से फसल में करते? यह खाद के उपयोग भैया टमाटर है। हाँ। भटा है। हाँ। और करेला है। हुँ। भिंडी है, बरबटी, गोभी, इन सभी पौधन में काम करते भैया। अच्छा भैया, उखलाने ये सब। हाँ, हाँ, उखलाने आए थे। सभी फसल के लाने? सभी फसल के लाने, सभी सब्जी की फसल है, सब के लाने एकर उपयोग करते हैं। हाँ भैया। अच्छा भैया, जो ये गोबर खाद है। हाँ। एकर उपचार करने में कौन कौन सामग्री लगते है भैया? तो ये भैया 20 किलो गोबर खाद है, 20 किलो गोबर खाद में ज़्यादा जो है तो खाद लगी, उसमें अपन खेत के अनुसार जितना खेत बड़े है तो ज़्यादा लगी, और खेत छोटे है तो कम लगी। तो भैया सड़ा हुआ गोबर खाद है 20 किलो में 2 लीटर पानी, अगर 100 किलो अगर गोबर खाद रहते तो 10 लीटर पानी में घोल दें भैया। तो भैया सड़ा हुआ गोबर खाद 20 किलो है, तो निप्रोत 20 ग्राम लेते हैं, और 1 कुंटल अगर गोबर खाद होते तो 100 ग्राम लेते हैं भैया। तो भैया 20 किलो गोबर खाद है, 20 किलो गोबर खाद में सुमोना 20 ग्राम, अगर 1 कुंटल गोबर खाद होते तो 100 ग्राम सुमोना लगते भैया। ये भैया बैक्टीरिया नाशक है।